सही बोल रही हूँ मैं? हालेलुया हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैथ्यू मती 18:20। कितना हम लोग? दो या तीन से ज्यादा है, कम है? पक्का दो या तीन से ज्यादा है कि कम है हम लोग? तो ये बाइबल वर्स हम लोग पे लागू होगा या सिर्फ दो या तीन ही होने चाहिए? हाँ, हम पे लागू होगा ये वचन? दो या तीन से ज्यादा है हम लोग? ठीक है, क्या बोलते हैं फिर? क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते। एक मिनट, किसके नाम पे? किसके नाम पे? हम किसके नाम पे यहाँ पे आए? श्योर? डाउट है? तो पहला कंडीशन, हम दो से दो या तीन से ज्यादा है, करेक्ट। दूसरा, हम यीशु मसीह के नाम से आए, बराबर। आगे, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। वहाँ उनके बीच कौन कौन हमारे बीच में? डाउट है क्या? यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे को डाउट है कि यीशु यहाँ पे है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। कौन है यहाँ पे? डाउट है। हालेलुया। मत्ती 18:20। जब यीशु मसीह यहाँ पे होता है, यीशु मसीह यहाँ पे अकेला होगा, फिर उसके साथ कौन है? पवित्र आत्मा और अब्बा पिता और चेले और स्वर्गदूत और वचन और ये सब कहाँ इकट्ठा होते हैं? प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता, क्या डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं पता हम लोग? हाँ, आराधना करने, बराबर। पर हम पता है कहाँ है? स्वर्ग। हालेलुया। हम कहाँ है? कि मैं बोल रही है, तू क्या फायदा? हमारे वचन में कोई फायदा नहीं है। हम लोग ने अब भी वचन पढ़ा, पहला दो या तीन से ज्यादा हम लोग, बराबर। सेकंड, प्रभु यीशु के नाम से यहाँ पे आए। तो तीसरा, प्रभु यीशु क्या बोलता है कि अगर दो या तीन है, प्रभु यीशु के नाम पे है, तो यहाँ पे कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमेशा अकेला नहीं आता, पूरा स्वर्ग आता है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी, हो क्या रहा है? इतना आराधना के बाद फिर रोने पे आए हो? बापरे 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 बापरे।
हालेलुया। हाँ, राजा को भी अकेला, राजा को भी अकेला चलते हुए देखा। हालेलुया। राजा छोड़ो, मोदी को कभी अकेले चलते हुए देखा? नहीं। सलमान खान को कभी अकेला चलते हुए देखा? हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु कभी अकेला आएगा? हालेलुया। तो अगली बार ऐसा नहीं बोलना कि सिस्टर के घर पे आए हम स्वर्ग आए। हालेलुया। 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 स्वर्ग में कब रोते हैं क्या? बहुत नहीं सर, कभी हंसा करो, कोई आता है हंसो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, वेलकम बोलो। हालेलुया। हालेलुया। बाद में करूंगी एक्सरसाइज ये वाला भी। समझा कहाँ है? चल, रोगे नहीं ना। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई यार ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बताए क्यों? मेरी एक दोस्त है, रिसेंटली मिली थी उससे, तो बोल रही थी कि जब वो दूसरे यहाँ जाती है ना, दूसरे मंदिरों में किधर जाते हैं, हर टाइम वहाँ पे वो देखते हैं लोग रोते रहते हैं, पूरा दिन रोते रहते हैं, पर वो जब भी चर्च जाती है ना, वो देखती है एक इंसान नहीं रोता, क्यों? हर टाइम मेरे को उससे वो आके पूछी ना, मेरे को भी दिमाग में ये हुआ, पता है, क्योंकि वो ऐसे मंदिर या कभी दरगाह किधर भी चली जाती है, वो बोलती है वहां पे, वो एक जगह पे गई थी और वहां पे देख रही थी लोग रो रहे, और गिरजाघर में जब आती है ये चर्च में कोई नहीं रो रहा है, क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? हाँ, यीशु के लिए। और यीशु ने नया जीवन दिया, और यीशु ने नया जीवन दिया, और उसने हमारा उद्धार किया है, उद्धार किया, और मैं अगर आपको पूछूं बैंक अकाउंट में कितना है, आप बोलोगे यीशु ने उद्धार किया है? नहीं, हम रोते नहीं। हालेलुया। या हमें रोना आता ही नहीं है। प्रभु यीशु ने ना अच्छे से क्रिस्तियों को बनाया है, वो जो रोने के लिए ना एक अंग होता है, वो ही नहीं दिया यीशु ने क्रिस्तियों के लिए, ऐसा कुछ है? फिर वेरी गुड, अच्छा आंसर है। पहले प्रभु में नहीं थे तो हमेशा रोते थे, पर प्रभु में से आने के बाद मेरा रोना बंद हो गया। तो वहाँ क्यों हुआ, बदल कैसे हुआ? वचन के द्वारा। कौन सा वचन? मैं पूछ रही थी कौन सा वचन। हालेलुया। हालेलुया। यही नहीं पता ना हम लोग को। फिलिप्पी 4:4 फिर क्यों नहीं बोला? वचन कहता है पढ़, फिलिप्पी 4:4 लिख के रखो, फिलिपियंस 4:4 आराम से। कौन सी हम लोग को कोई ट्रेन नहीं पकड़नी सच्ची। आप लोग प्रभु में हर समय, आप लोग प्रभु में कुछ समय, हर समय कुछ समय बराबर पढ़नी था। आप लोग प्रभु में हर समय कुछ समय, हर समय प्रसन्न रहे, कुछ समय हर समय, हर समय का मतलब जब बैंक अकाउंट कुछ बोलता है, जब शरीर कुछ बोलता है, फिर जब पति कुछ बोलता है, जब सास कुछ बोलती है, फिर क्या? पढ़ निका,
आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहो। हाँ मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। अच्छा प्रभु यीशु को पता है, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है लोगों को, तो ओपन होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ फिर से क्या बोलते हैं? फिर कहता हूँ प्रसन्न रहो। फिर कहता हूँ प्रसन्न रहो। हालेलुया। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए, प्रभु निकट है। नहीं सिर्फ वो चाहता है बस। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? प्रसन्न रहो कुछ समय, हर समय, कुछ समय या हर समय? हर समय। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आएगा ना और कोई ब्रदर के पास आना, ब्रदर से बोलेगा कुछ समय हर समय। फिर समझ जाना क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्रिश्चियन लोग इतने खुश क्यों रहते पता है? क्योंकि हमें सत्य पता है। वो लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग भीख मांगते हैं, परमेश्वर दो, ये दो, मुझे ये चाहिए, ये दो, वो चाहिए, ये दो, ये चाहिए, ये दो, ये चाहिए। बट यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है कि हर समय हर चीज के लिए, हर परेशानी के लिए परमेश्वर ने एक वादा दिया है। पैसे की तंगी है, परमेश्वर ने वादा दिया है। बीमार हो, परमेश्वर ने वादा दिया है। कुछ है, परमेश्वर ने वादा दिया है। कुछ चाहिए, हर चीज का एक वादा दिया है, प्रॉमिस दिया है। एक हमारे पास एक आशा है और उस पे हम जीते हैं। उस आशा पे अगर हम लोग ने विश्वास डाला ना, वो सत्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जो दूसरे भाई बहन है उनके पास आशा ही नहीं है, उनके पास आशा ही नहीं कि कहां किस पे विश्वास करे, कहां पे जाए कि हमारा प्रार्थना पूरी हो जाए। इसलिए फिर जाते हैं ये बाबा वो बाबा, यहाँ पे वहां पे ढूंढते रहते सब जगह। हालेलुया। हालेलुया। पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मेरा टॉपिक क्या है, मैं क्या ले रही हूँ? हालेलुया। ठीक है, समझा कहाँ पे आए अभी? श्योर बच्चे ने जवाब दिया, बाकी सबको डाउट है ऐसा लगता है मेरे को अभी भी। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, फ्राइडे क्या किया था? उठ उठा सच्चे हृदय से प्रभु यीशु से प्यार करो, फिर तो क्या होगा? कुछ नहीं, तो हमारे मनोरथ पूरा होगा। अच्छा और क्या किया? ठीक है, फ्राइडे का रखते हैं। लास्ट संडे मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास का भरोसा दिया। मैंने बोला था बैठ करके आने के लिए। किसने किया? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में जो चीज नहीं हम लोग ढूंढना नहीं है सदुक्ष है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रहे। वो समझा, समझ तो सबको है। वचन याद है, वर्ड टू वर्ड। क्या होमवर्क? हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, और एक हफ्ता दूंगी। हिब्रू 1:11-1।
हालेलुया। जब विश्वास का मतलब ही नहीं पता तो कैसे करोगे? हालेलुया। एक बार पढ़ लेते हैं विश्वास, हिब्रू 11:1। ये तो बहुत बार लिया रहेगा। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम तो ईश्वर पर भरोसा है। हालेलुया हालेलुया। वर्जन थोड़ा अलग है, विश्वास पर वर्जन अलग रहेगा। विश्वास 11 विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है और उनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिससे हम नहीं देखते। मैं देखती हूँ, मेरे को दूसरा वर्जन मिला ना, मैं भेजूंगी। उसमें बहुत कठिन शब्द है। हालेलुया हालेलुया। इंग्लिश में देखते हैं, पहला शब्द अब, वचन का पहला शब्द अब। तो विश्वास हमेशा आगे का नहीं होता, अभी इस समय। हालेलुया। नाउ फेथ इज द अश्योरेंस, द कंफर्मेशन। इसका मतलब हाउ वुड यू से कंफर्मेशन? ओके, अभी विश्वास वो वस्तु है, ठीक है? पानी का ग्लास दिखा, ग्लास है आपके पास, हाँ, ग्लास के अंदर पानी, ये आप लोग समझेंगे, एक ग्लास पानी। अभी वचन क्या कहता है? नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस नॉट सीन। इसका मतलब विश्वास वो वस्तु है, ठीक है, कि अगर उसको हम अपने आशा में भरे, ठीक है, और उस पर हम अटल रहे, तो उस विश्वास से कार्य होता है। हालेलुया हालेलुया। जब मैं ग्लास बोलती हूँ, ग्लास मतलब आशा, और आशा के अंदर मैंने डाला है विश्वास, और ये विश्वास क्या है? वो वस्तु क्या है जो ग्लास के अंदर, वो पानी क्या है? विश्वास कहाँ से आता है? हाँ, क्या सुनने से आता है? सुनने से आता है क्या? हालेलुया। हाँ, तो पानी वो वचन है और वो ग्लास आशा। अब फॉर एग्जांपल, मेरे को उदाहरण के लिए, मेरे को घर चाहिए, तो मेरा ग्लास क्या है? मेरे को घर चाहिए। हालेलुया और उसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ? पानी। हाँ, पानी मतलब वचन। हालेलुया हालेलुया। और ग्लास ही नहीं है तो पानी किधर डालो? समझा? अगर आशा ही नहीं है तो मैं वचन का क्या ही करूं? उसी तरह जो हमारे दूसरे भाई बहन है, उनके पास आशा ही नहीं है, उनके पास आशा नहीं है तो विश्वास कहां से होगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। व्हाट डिड यू से? विजन इन हिंदी, विजन इन हिंदी। ठीक है, हम वचन में देखते क्या है। प्रोवर्ब्स नीति सूत्र 29:28।
29:18 अपने पुत्रों को दंड दो 18 वो 17 है 18 वो अपने पुत्रों को दंड दो इसी में उनका कल्याण है उनकी मृत्यु का नहीं नहीं उसके बाद वाला वचन क्रोधी को अपने उग्रों क्रोध का फल भोगना पड़ेगा यदि तुम उससे उसकी रक्षा करोगे तो बार बार ऐसा करना होगा वापस पढ़ो 18 मैं उसके बाद वाला उसके बाद 19 वाला क्रोधी क्रोधी को अपने उस क्रोध का फल भोगना पड़ेगा यदि तुम उससे उनकी रक्षा करोगे तो बार बार ऐसा करना होगा 19 बैठती है किंतु संहिता का पालन करने वाले को सुख शांति मिलेगी वापस पढ़ो नबियों के अभाव में जनता आत्मसंयम वो बैठती है नबियों के अभाव में जनता आत्मसंयम वो बैठती है किंतु संहिता का पालन करने वाले को सुख शांति मिलेगी वर्जन यू नीड टू गेट अ डिफरेंट बाइबल ये वाला पढ़ना जहाँ दर्शन की बात नहीं होती जहाँ बात नहीं होती दर्शन यानी दर्शन यानी दर्शन करने जाते हैं दर्शन दर्शन मतलब क्या दर्शन पाया पड़ा मंदिर में दर्शन पाया पड़ना है देखने हालेलुया दर्शन मतलब नहीं दर्शन तुझे पप्पा ने आला दर्शन दिला हालेलुया दर्शन का मतलब हालेलुया ठीक है अभी इंग्लिश में दर्शन को विजन बोलते हैं विजन यानी कैसे बोलूं गिव एन एग्जांपल ठीक है ब्रदर का एग्जाम्पल लेते हैं एक 6 महीने पहले का ब्रदर को ब्रदर के पास एक दर्शन था कि वो एक स्कूल चालू करेंगे हालेलुया 6 महीने पहले उन्होंने एक दर्शन देखा था कि उनको स्कूल चालू करना है ठीक है स्कूल चालू हुआ था एडमिशन हुआ था नहीं पैसे आए थे नहीं बुक्स आए थे नहीं कपड़े आए थे नहीं कुछ हुआ था नहीं प्रिंसिपल था नहीं टीचर्स थे नहीं स्कूल था वो बिल्डिंग था नहीं बच्चे थे नहीं फिर क्या था विश्वास था क्या था दर्शन था एक दर्शन था उन्होंने एक चित्र देखा कि मेरे को एक स्कूल चाहिए मेरे को उस स्कूल में बच्चे चाहिए मेरे को उस स्कूल में टीचर चाहिए मेरे को वो स्कूल में सीसीटीवी कैमरा चाहिए मेरे को वो स्कूल में व्हाइट बोर्ड ही चाहिए
मेरे स्कूल में ये चित्र बनेगा, मेरे स्कूल के ये दीवार पे ये पोस्टर लगेगा। क्या किया उन्होंने? दर्शन देखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनका एक दर्शन। वचन क्या कहता है पढ़ो? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब मर जाते हैं, नहीं पेरिश, मर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर आपके पास दर्शन ही नहीं है तो आप आगे बढ़ पाओगे? ठीक है, सबके पास एक एक दर्शन होगा ना। ठीक है, ब्रदर ने एक उदाहरण दे दिया। हालेलुया। यू वांट टू एक्सप्लेन इट एज इन शी समवन वांट्स टू पुट एंड ठीक है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग एक बार मिले थे याद है स्कूल में? उस स्कूल में आप लोग ने क्या बनाया था? कुछ तो लाया था आप लोग ने, टोप लाया था, टोप लाया था, केक लाया था, जवन बिरयानी। क्या बनाया था, क्या बनाया था, वापस बोलो, क्या बनाया था? बिरयानी बनाया था, याद है? याद है बिरयानी, भूल गए? हाँ लाया था, बनवाया था, शिवानी ने बनाया था, याद है? हालेलुया हालेलुया। ठीक है, वो बनाने से एक दिन पहले शिवानी के पास एक दर्शन था। क्या उसको क्या बनाना है, क्या बनाना है? बनी थी एक दिन पहले? बनी थी नहीं, दूसरे दिन वो दर्शन को उन्होंने सच्चाई में बदला। कैसे? ए नीता घर पे आना कांदा काटने के लिए, ब्रदर थोड़ा हेल्प चाहिए था। हालेलुया हालेलुया। जब कांदा काट, ब्रदर जब कांदा काट रहे थे बिरयानी बन गई थी? नहीं, जब वो चिकन लाया था बिरयानी बन गई थी? हालेलुया। पर क्या था? एक दर्शन था कि मुझे बिरयानी बनानी है, उसमें ये मसाला जाएगा, इतना कांदा जाएगा, इतना चिकन जाएगा, इतने लोग हैं, इतना चावल जाएगा। हालेलुया। अब सबको भूख लगी है, टाइम कब होगा? हालेलुया हालेलुया। वो दर्शन नहीं होता तो बिरयानी बनती? हाँ बिरयानी बनती नहीं। उसी तरह अगर आपके जीवन में आपको कुछ चाहिए, आपके पास दर्शन ही नहीं है, मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। अभी ये दर्शन विजन, मैं जब दर्शन बोलती हूँ आई मीन विजन। ठीक है, कि मुझे कुछ, मैंने कुछ जैसे मेरे को बिरयानी बनानी है उस तरह। ठीक है, ये दर्शन कोई भी दर्शन हो सकता है? नहीं। मैंने सोचा मैं रात को एक खंबा पीऊंगी, अच्छा दर्शन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये जो दर्शन है वो किसके समान होना चाहिए? यीशु के वचन। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपने तो बोला था दर्शन देखने के लिए, गलत दर्शन देखोगे तो होगा? सही चीजें होंगी? उसी तरह हालेलुया। और ये दर्शन के लिए ना आपको क्या चाहिए पता है? होमवर्क, जो आप नहीं करते हो। हालेलुया हालेलुया। जब हमने चालू किया था घंटों सुनते थे वचन, घंटों, तब जाके एक वचन याद होता था। 11 हिब्रूस 11 एक सीखने को ही मेरे को कितना टाइम गया। हालेलुया। लास्ट संडे बोला था यूट्यूब पे सीखो, सुनने के लिए कितने लोग कर रहे हैं? नीता बोली कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप में इंटरनेट नहीं है। अच्छा नहीं, मैं नहीं मांगा था, नहीं वो देखने तो इसलिए देखी हाथ में। कितना वचन सुनने से और सुनने से आता है,
कितना वचन सुन रहे हैं, तो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास तो अलग बात हो गया, छोड़ो, अभी तुम विश्वास के बारे में लोगों को सिखा रहे हो, विश्वास के बारे में लोगों को सिखा रहे हो और खुद ही नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या विश्वास है तो तुम लोगों को क्या सिखाओगे? मेरा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एक्सक्यूज देने के बाद हमारे पास हजारों तरीका है। नीता को अगर फोन करने का है, वो बाजू वाले से या रोड में किसी को रोक कर फोन कराएगी, मेरे को फोन करना है, कामनी को फोन करने का, किसी को फोन करने का, तो अगर मेरे को किसी को फोन करने में कैसा भी अपना दिमाग लगा के करा सकता हूँ, तो मेरे को अगर वर्ड ऑफ गॉड सीखने का तो मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, इतना हम लोग यहाँ पर सिखा रहे, कौन लिख रहा है, लिख रहा है तो ऐसा लिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा बाद में। मेरे को सब में से सबका सबसे अच्छा किसका अच्छा लगता है मालूम है क्या? ये कामनी का, उसने सही तरीके से लिखा है टॉपिक के हिसाब से, और जब भी उसको मालूम है किधर ढूंढना है किधर, फटाफट उसको खुद का नोट्स में किधर क्या लिखा है उसको मालूम है, बाकी लोग में किधर क्या लिखा है, खिचड़ी है, बिरयानी भी, बिरयानी भी नहीं खिचड़ी, किधर लिखा है क्या मालूम है, कौन सा था क्या सिखाया था ब्रदर ने क्या ये, फिर कामनी को फोन कर क्या होता है वचन किधर क्या था। तो थोड़ा सा सीरियस बनो अगर लंबे रेस का घोड़ा बनने का है, क्योंकि देखो मैंने जैसा बताया मिनिस्ट्री में और लोग जुड़ रहे, प्रभु का कार्य तो होते रहेगा, अभी छोटा ग्रुप है तो छोटा छोटा जितने लोग को हम जितना ट्राई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, फिर ऐसा और 50 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तो मैं बार बार नहीं आ सकता, ये नीता क्या हो गया, ये जॉन क्या हो गया, ये किरण क्या हो गया, नहीं आ सकता मैं, क्योंकि और नए लोग आएंगे, जो भूखा है उसको हम खिलाएंगे, जो इंटरेस्टेड, अगर बच्चा आ रहा है सीखने के लिए तो उसको सिखाएंगे, जो सीखने को इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम व्यर्थ करने में कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं। हमने इतना कितना ऑलमोस्ट 6 महीना 7 महीना एक ऑलमोस्ट 1 साल होने को आएगा हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, 1 साल में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, तुम इसका फायदा उठा रहे हो या व्यर्थ कर रहे हो, तो वो तुम्हारे हाथ में। अभी भी जैसे होमवर्क दिया था होमवर्क किया नहीं, हाँ फिर यूट्यूब है, बाइबल है घर पे, स्टडी कर रहे हैं क्या, वचन मैं रोज भेजता हूँ उसमें डेली का गॉस्पल एटलीस्ट वो पढ़ रहे हैं क्या, भले ही हम प्रचार नहीं कर रहे मगर वो पढ़ के पवित्र आत्मा को पूछ रहे क्या क्या है इसके अंदर, क्या बोल रहा है पवित्र आत्मा, क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है यीशु, पूछ रहे क्या यीशु को, पूछ रहे क्या पवित्र आत्मा को, तो जो लोग पूछेंगे बाइबल क्या कहता है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो तुम क्या तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, खटखटा रहे हो, ऐसे तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ पर हम आ रहे मदद कर रहे हैं, मगर जो लोग इतना आलसी है, आलसी वाले लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है और प्रभु के राज्य में ही जगह नहीं है आलसी वाले लोग, तो आलसी बनो मत, थोड़ा कार्य करो। हालेलुया, क्योंकि तभी भी अब कैसे बोलो, ठीक है, हम ना हमारा दिन अभी यहाँ पे कोई काम करते, ब्रदर आप काम पे जाते हो ना, ना ठीक है, कभी भी जाते हो? सिर्फ संडे को छुट्टी रहता, सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है, पर मंडे को कभी भी जाते हो, दोपहर को? नहीं, सुबह सुबह से जाते। अच्छा, कितने बजे टाइम देते हैं आपको पहुंचने का? टाइम दिया क्या? कभी भी जाने का नहीं, सुबह 8 से 5:30। हाँ, 8 से भाव से पहुंचते तो क्या होगा, जितने मुझ पर पता पता तो ये है मुझ जरा रागत अच्छा सर गेट पास आने का समय था, दर दिवस लेट था, दर दिवस नहीं, एक दिवस गया था सर, बोलने में तेरा मन नहीं बैठा। हालेलुया, काम पे टाइम पे जाते हैं परमेश्वर के काम पे, लेट का छोड़ो, एक दिन जाएंगे दो दिन छुट्टी, एक दिन जाएंगे दो दिन छुट्टी, मास को पहुंचेंगे फाइनल ब्लेसिंग के लिए, क्या आएगा, बॉस रखेगा, बॉस रखे बराबर, गुड क्वेश्चन, रखेगा बॉस, एक दिन जाओ 10 दिन छुट्टी मारो, या एक दिन जाओ एक दिन छुट्टी, एक दिन जाओ एक दिन छुट्टी, देखो क्या होता है, हालेलुया। जब हमारा काम पे आता है या बच्चे को स्कूल पे, बच्चे बच्चे को स्कूल पहुंचाते हो कितने बजे का टाइम होता है, 12:30, 2 बजे जाते हो, गलती से 2 बजे गए तो उधर से रिटर्न, हालेलुया। तो हमारा ये जो संसार की चीज है
वो हम लोग टाइम से करते हैं, पूरा धन मन धन सब लगा के करते हैं। जब परमेश्वर का कार्य पे आते तो हालेलुया हालेलुया। अभी कुछ लोग जो है अभी झंझोली में रहते हैं पर काम पे कहाँ जाते हैं, वेस्टर्न लाइन, अंधेरी, बैंड्रा, कॉलेज भी जाते हैं अंधेरी बैंड्रा, दो ट्रेन बदलनी पड़ती है कभी कभी, रिक्शा यहाँ से रिक्शा पहले स्टेशन, स्टेशन से तीन ट्रेन बदलनी है, यहाँ से थाना, थाना से दादर, दादर से बैंड्रा, पुणे से भी इधर आते लोग डेली काम के लिए, बराबर पुणे से आते हैं, पुणे से फिर भी एक ट्रेन है दो ढाई घंटा है, यहाँ से तीन ट्रेन बदल के जाते हैं, पहुंचने के बाद भी रिक्शा पकड़ के काम पे जाना पड़ता है, करते रोज करते रोज। हाँ क्यों काम पे जाना, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंसान के पास भी एक दर्शन है। क्या है वो दर्शन? बैंक अकाउंट में वो मैसेज आता है क्रेडिटेड, डा 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 सो मच मनी क्रेडिटेड, इतना पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए, हालेलुया हालेलुया। वो दर्शन पूरा करने के लिए पूरा महीना रगड़ेगा इंसान, पूरा महीना, हालेलुया। वही यीशु के कार्य के लिए क्यों नहीं करते हम? यीशु को पैसे दिखता नहीं है, दिखता नहीं है उनको, हालेलुया। वैसे ही तो चलता है परमेश्वर का दुनिया, यहाँ से बैंड्रा तक जाएंगे काम के लिए, यहाँ से थाना किसके घर पे प्रार्थना के लिए, बोले थोड़ा दूर है कैसे आएंगे, ट्रेन से जाना, सिस्टर में फोन पे करूं, हालेलुया हालेलुया। वही जब संसार की चीजों पे आते ना एकदम फटफट 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 टूटता है, हालेलुया। जब परमेश्वर का कार्य पे आते हैं हम मास ठीक है 10 मिनट ज्यादा सो लिया पर परमेश्वर समझ लेगा, गलत मन से नहीं किया तो परमेश्वर समझ लेगा, कर लेते ना हम ऐसे, हालेलुया हालेलुया। ये दर्शन है ही नहीं अभी फिलहाल, अगर मैं परमेश्वर का, आपके पास एक दर्शन है परमेश्वर के राज्य के लिए तो क्या होगा, तो सोचा ही नहीं है। हम मैं पूछो संसार के रिलेटेड कौन सा दृश्य है, दर्शन है, सब रहेगा, मेरे को ऐसा घर चाहिए, इस पे ये पेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, वो गाड़ी होनी चाहिए, हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य पे आता है तब कभी किसने दर्शन देखा है, हालेलुया। मेरा दर्शन कैसे होता था बता, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं बेडरूम में अकेले प्रचार कर रही है आईने को देख के, तुम खड़े हो जाओ, सामने कोई नहीं है, सामने कबड़ है, तुम खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से आ जाओ किया मैंने ये क्या, मैंने फोन लेके मैं ऐसे सोचती थी मेरा फोन एक टैबलेट है, क्योंकि मैंने एक बार एक ब्रदर को देखा था ऐसे वो टैबलेट लेके आता है एप्पल का और उसमें से वो वचन पढ़ते हैं, मैं भी मेरा फोन टैबलेट है तुम परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा है वहां पे स्क्रीन पे पढ़ो, पीछे दीवार पे एक ये क्लॉक तो वो स्क्रीन है मेरा, हालेलुया। क्या मैंने ऐसे दर्शन, हालेलुया हालेलुया। मेरे को पता है सामने कबर्ड और आईना है पर मैं वो देखती नहीं थी, हालेलुया। क्या लगता है मैं कितने साल की रहेगी तभी, 18-19, मैं तो मेरे को कभी कभी सोच के भी हंसी आती थी कितने सालों बाद मैं ये भी करूंगी, हालेलुया। दर्शन है आपके पास, दर्शन जानने के लिए समय देना पड़ता है, पवित्र आत्मा को पूछना पड़ता है कि क्या करें, हालेलुया। टोकने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत। अब देख ब्रदर के पास एक विजन है, क्या है, दर्शन है, बोलो क्या, जोर से बोलो,
क्या है? आपके पास दर्शन है कि नहीं है? सोचा है? ब्रदर तो बोले मेरे रिट्रीट में 50 जन आएंगे, मेरा रिट्रीट यहाँ होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अगर दर्शन नहीं होता तो क्या सितंबर में रिट्रीट होता? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह आप ब्रदर ने वो विजन अपने लिए नहीं रखा है, वो दर्शन अपने लिए नहीं रखा है, सबको बांटा है, सबके लिए। क्या रोज हम वो दर्शन के बारे में सोचते हैं, वो दर्शन के लिए हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं? करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके सबके पास दर्शन है, मेरे को पता है। खाने में आज ये बनाना है, संडे आज चिकन बनेगा, चिकन कटेगा, देखो पता है मेरे को। दर्शन तो है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए कौन सा दर्शन है? कभी सोचा है? हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा वो जो मैं बेडरूम में करती थी वो वाले दर्शन के लिए मैं मेरे चर्च के यूथ को मैसेज करती थी, कोई अपने सेक्टर में बीमार है तो मेरे को बताओ, मैं उनको लेके अकेली जाती थी। कोई फोन करता था, सिस्टर घर पे आओगे, जाती थी मैं। कितनी है? 20-22 साल की मैं घर घर पे जा रही हूँ। लोग है 50 साल के, एक 20 साल की बच्ची 50 साल के इंसान को सिखा रही है। हालेलुया, मेरे को सोच के हंसी आती है। हालेलुया, हालेलुया। कभी दर्शन देखा है? इसलिए परमेश्वर बोलता है अगर दर्शन है नहीं तो मरने हो, मरने वाले आए हो, नाश हो रहे हैं आप लोग का अगर दर्शन नहीं है तो। हालेलुया। और बाद में वचन कहता है कि अगर आपके पास व्यवस्था, व्यवस्था बोलते शायद, यानी व्यवस्था को मानता है, हाँ, वो धन्य होता है। व्यवस्था को मानता है मतलब, मतलब कुछ बोले नहीं, बोलो जैसे बोलो। व्यवस्था को मानता है मतलब, वचन मोशे का ना व्यवस्था की एक किताब, यानी नियम। व्यवस्था मतलब नियम। हालेलुया, हालेलुया। तो जो नियम को मानता है या नियम का पालन करता है, कौन सा नियम? परमेश्वर का नियम। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे नियम है, आपका कौन सा प्रार्थना उस हिसाब का नियम इस्तेमाल करो। जो परमेश्वर का वचन मानता है वह क्या है? वो धन्य है। कौन है? क्या है? आप लोग धन्य हो? हाँ, आप लोग धन्य हो है बोला तो मैं पहला प्रश्न पूछूंगी, दर्शन क्या है आपका? हाँ बोला तो दर्शन क्या है आपका? अगर आप लोग बोल दो विश्वास है सबके पास, वचन क्या है? विश्वास है तो वचन है, वचन नहीं तो विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओए, दर्शन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसीलिए हम लोग को समय देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सबके पास अभी दर्शन आया है नहीं है? श्योर, श्योर। उदाहरण के लिए बाइबल में एक इंसान था जिसका नाम पॉल है, पॉल था, पर वो पॉल पहले नहीं था, उसको सॉल बोलते थे। और सॉल का मतलब क्या था? सॉल का काम क्या था? चौक दोगे ऐसे ब्रदर में पता है? सॉल का काम क्या था पता है?
क्रिस्तियों का मर्डर। उनको परेशान करना, पिटाई करना, मारना, ये किसका काम था? सॉल का। एक दिन वो दमास्कस जा रहा था, वहां पे उसको दर्शन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भेंट हुई थी परमेश्वर से और उसको एक दर्शन दिखाया था कि वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। जो परमेश्वर के लोगों को मार रहा है वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है। बस सुनने के लिए अच्छा लगता है ना। सॉल के दिमाग में क्या चल रहा रहेगा सोचो, कैसे 3 दिन तक वो अंधा था। 3 दिन तक वो, 3 दिन सॉल क्या सोच रहा था बताओ। हाँ, सॉल सारे क्रिस्तियों को मारता है। एक दिन उसका दर्शन हुआ परमेश्वर के साथ और परमेश्वर ने बोला तू मेरा कार्य करेगा। उसके बाद वो 3 दिन तक अंधा था। 3 दिन में वो सॉल ने क्या सोचा रहेगा बताओ, या किसके बारे में सोचा रहेगा? हाँ, प्रभु का कार्य करने, मतलब वो उसके दर्शन के बारे में सोच रहा था। और वो दर्शन देख रहा था। हालेलुया। उसी हिसाब से आपके पास दर्शन है, दर्शन है तो उसके बाद परमेश्वर का वचन है। अगर मेरे पास सिर्फ दर्शन है, भी ब्रदर का एग्जांपल लेते हैं, 6 महीने पहले उनको स्कूल चाहिए था, मतलब उन्होंने सोचा कि उनके पास एक दर्शन है कि मेरे को स्कूल चाहिए। घर पे बैठ के होगा? नहीं। होगा? नहीं। एडमिशन होंगे? नहीं। टीचर आएगी? नहीं। फिर बराबर उनके पास वचन था, मेरे को रूम मिल गया, मेरे को ऐसा रूम चाहिए, मिला था नहीं पर मेरे को चाहिए और मेरे को पता है मेरे को मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो वादा लेके, उनके पास पहले एक दर्शन था कि उनको स्कूल चाहिए, दूसरा उनका वादा परमेश्वर पैसे देगा, परमेश्वर मेरे को वो स्कूल ढूंढ के देगा, मतलब वो बिल्डिंग ढूंढ के देगा। तीसरा उनका काम, बाइक लेके रूम खाली है तब जाके एक रूम मिला था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक विजन डन, सेकंड विजन मार्केटिंग, स्कूल के बारे में बताना है। उनके पास वादा क्या था कि मैं जिनसे जाके बोलूंगा मेरा शब्द नहीं परमेश्वर का शब्द होगा, उनका मन बदलेगा। चलो गाड़ी लेके पैम्फलेट, स्कूल है। हालेलुया। फिर एक नंबर रखा फोन के लिए, स्कूल के लिए, सब वो नंबर पे फोन करते थे। हालेलुया। एक दर्शन, सिर्फ अगर ब्रदर ने देखा कि मेरे को स्कूल चाहिए, घर पे बैठ के लेट रहे, आएगा स्कूल? नहीं। आएगा स्कूल? नहीं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, स्कूल का दर्शन देखा, वचन भी है, घर पे बैठे हो गया, स्कूल आ गया? अभी सोचो, आपके पास दर्शन है, पहला प्रश्न, नहीं है तो मांगो परमेश्वर को, बोल पूछो पवित्र आत्मा को, पूछो कि मेरे को क्या करना क्या है जीवन में, मेरे जीवन में आपका क्या है दर्शन बताओ मुझे। जैसे वो दर्शन आपको समझेगा भी नहीं कब आएगा, मैं तो कभी
सडनली बोलता आज कल मैं सोच रहा हूँ सितंबर में ट्रिप चालू करो करूँ आगे बोलते हैं आता कहाँ से समय देते हैं परमेश्वर के साथ हालेलुया हालेलुया और वो दर्शन में वो हमेशा अकेले नहीं होते सबको लेते हो हालेलुया कि जो मैं दर्शन देखता हूँ आप लोग भी देखो हालेलुया डगमगाते हैं कोई बात नहीं आज घर पे डिस्कशन हो रहा था मैं तो बोली थी कि मैं लेके आऊंगी आज हालेलुया हालेलुया तो हम लोग को थोड़ा इधर पैसे खर्च करने तो ऐसे बात हो रही थी हमारी तो मैंने बोला कि अगर इतना नहीं होता तो इतना करेंगे कि गोवा में हम लोग को थोड़ा काम है उसके लिए पैसे जमा करना है बोलते क्या क्या तेरा विश्वास है पैसा आएगा अगले महीना ना ठीक है ना अब तो होने से ही रहा क्यों मैंने ऐसा बोला बताओ देखते आप लोग ने पकड़ा कि नहीं समझा नहीं ठीक है हम लोग अभी जाके थोड़ा कुछ सामान खरीदना है ठीक है तो मैंने बोला कि महंगा होता है तो थोड़ा सा सामान ये महीना खरीदेंगे थोड़ा सा सामान जब दूसरा सैलरी आएगा तब खरीदेंगे ठीक है तो बोलता है क्या कंजूसगिरी कर रही है यार अगले महीना बहुत पैसा आने वाला मेरे को फिर मैंने उनको बोला कि अगले महीना आने से रहा क्यों आपको पता नहीं ब्रदर ने क्या बोला देखा बच्चे ने पकड़ लिया ब्रदर क्या बोला अगले महीना पैसा आएगा वो आशा का प्रार्थना हुआ या विश्वास का प्रार्थना हुआ विश्वास पैसा आ गया हालेलुया जब तक वो बोलते रहेंगे ना अगले महीना पैसा आ रहा है अगले में वो महीना महीना बढ़ते रहेगा पैसा नहीं आएगा हालेलुया हालेलुया पैसा करते गलती मैं भी करती है बट इसके लिए तो हम दोनों है साथ में कि जब वो गलती करता है मैं बोलती हूँ मैं गलती करती हूँ वो बोलता है हालेलुया हालेलुया गलती होने वाली है आपको क्या लगता है हम लोग तो इतने साल होके भी हम लोग वही गलती कर रहे हैं हालेलुया बट साथ में सीखते भी हम लोग हालेलुया हालेलुया तो दर्शन है बट अगर ना प्रार्थना विश्वास में होगा ना कुछ प्रार्थना आशा में होगा आएगा कौन से महीने में आएगा हालेलुया इसीलिए कितने लोगों से तो वचन याद है वो रुक जाए कौन सा वचन अभी ये जो बोल रही बोलिए तो कौन सा वचन बैकअप करता है इसको आ गया है तो कौन सा वचन के हिसाब से मैडम मालूम कर पाता रुक जा उनका दिमाग लगा कौन सा वचन क्या बोलो वो प्रभु ने प्रार्थना के बारे में बोला था वो सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं वो हर एक चीज के लिए हम लोग जैसे बात भी करते हैं उसी तरह बात करना है क्या था क्या है कौन सा हाँ अंजीर का पेड़ में ही है बोल अरे
जब तुम प्रार्थना करते हो, जब भी तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिलने वाला है, मिल गया है फिर तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें मिलेगा। हाँ, तो सिर्फ प्रार्थना सत्य समय भी नहीं है, ये बोलने के समय भी होने चाहिए। हमको लगता है प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करने के समय ही बोलना है, नहीं, वो हमारे बात करने के तरीके में भी आने चाहिए, भले हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर विश्वास ऐसा करना है और विजन जैसा जो सिखा रही है, विजन हमारा ऐसा होना चाहिए, भले मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है, मेरे को गाड़ी, सच में देखो मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी खरीदने का 4 व्हीलर, मेरे को पूछे कि पैसा है नहीं, अभी हमको लिस्ट बहुत सारा है, घर बदलने का, गाड़ी लेने का और ये सब यार बाकी सब अलग खर्चा है, बट मेरे को चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ ढूंढने का। मैं जब तक विश्वास नहीं करूँगा, विजन नहीं बनाऊंगा मेरे अंदर कि मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, ये कौन सा गाड़ी मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, कौन सा लूँ, मुझे सोच रहा हूँ ये बजट में लूँ क्या, जब तक सबसे पहला गाड़ी जब मैं लेने गया था तो हम लोग सोच रहे थे नैनो, छोटा गाड़ी, मतलब 1 लाख में आनी चाहिए, तो प्रभु ने तभी इंडिका दिया, मतलब जो मैं सोच रहा था उसका डबल। फिर बाद में वो आने के बाद हम लोगों ने वो गाड़ी बेचा दूसरा, फिर प्रभु ने उससे और बड़ा गाड़ी दिया, फिर उसके बाद हमने सोचा दूसरा कुछ गाड़ी लेंगे। मगर हम लोग घर में ना हमेशा डैडी और हम लोग और काइल हमेशा हम लोग बोलते थे XUV 500 लेंगे, हम लोग XUV लेंगे, क्योंकि वो गाड़ी हमको बहुत पसंद था, हर बार घर पे वही करते हैं, गाड़ी लेंगे यही लेंगे। मगर वो गाड़ी पहुँचने से पहले हम लोग ने ये 3-4 गाड़ी आया हमारे ज़िंदगी में, और जो हम लोग जो कन्फेस करते थे वो गाड़ी 5 साल के बाद हमारे पास आया, वो 15 लाख वाला गाड़ी। थोड़ा विश्वास में कार्य करते तो जल्दी आ जाता। हाँ, आएगा आएगा, बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि हमको इसका वचन का समझ नहीं था, मगर हम लोग विजन था, विजन है और थोड़ा गड़बड़ है, मगर फिर भी कार्य होगा, बट विजन होएगा और तुम अपना शब्द सही बोलोगे तो जल्दी होगा। अभी खाना बनाते हो, हाँ, अभी गैस में कोई कभी कभी क्या खाना उसको सिमर पे डालना पड़ता है, कोई के लिए हमको फुल में करना पड़ता है, समझो तुम चावल बना रहे हो, अगर चावल को तुम सिमर में डाल के रखोगे, चावल को क्या लगता है, सिमर मतलब धीमी आंच पे, हाँ धीमी आंच में रखोगे तो क्या होएगा, मगर अपने को मालूम है कि उसको बॉयल करना है तो उसको अपने को फुल करना है, उसी तरह कि अगर तुम अगर धीमी में रखोगे, धीमी आंच में आओगे, बाकी सब सही बोल रहे हो, मगर आग तुम्हारा छोटा है, सही करोगे, फुल करोगे, सब कुछ सही है तो सही टाइम पे तुमको रेडी, वरना बैठे बाहर खाना खाने को लोग अभी बन रहा है, अभी तक उबला नहीं है पानी, अभी तक गर्म हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। दर्शन बराबर है, इसलिए ब्रदर गाड़ी का भी बोलते हैं ना, हमने जब रास्ते पे जाते हैं ना, स्कूटी चला रहे स्कूटी, वो देख मेरी गाड़ी जा रही है, वो देख मेरी गाड़ी जा रही है, हालेलुया। वो उनकी गाड़ी है क्या असल जिंदगी में? नहीं, पर विश्वास में हालेलुया हालेलुया, ऐसे चलता है विश्वास का काम। प्रिंसिपल थोड़ा अलग ही है, बट ऐसे होता है। स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, नियम। हालेलुया हालेलुया। और जब ये दर्शन होता है, वो अभी फॉर एग्जांपल कैसे उदाहरण देती हूँ, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, या ऐसे कोई मार्केटिंग में आपने किया है ना, आप लोगों को टारगेट देते थे, हाँ, क्या फॉर एग्जाम्पल कितना टारगेट होता था? 800। हालेलुया हालेलुया। महीने का? एक दिन का। वाह, उफ, क्या एग्जाम्पल है। टारगेट है कितना? 800। पहले तो दिमाग में आएगा ये तो इम्पॉसिबल है, क्या ये तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बट वो जो कंपनी है उनका एक दर्शन है कि हम लोग को इतने साल में इतना करना है, और उसके लिए टारगेट कितना होना चाहिए दिन का? 800। जो वो कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम, आप, सॉरी, 800 होता था, हो जाता था पहले, जब सोचा था होगा 800, पर करने के बाद
हालेलुया, इसलिए जो दर्शन होता ना छोटा नहीं होता। हमें लगता है नहीं दर्शन मतलब ऐसे सौ कि मैं सौ कर सकती हूँ ना तो सौ, बट नहीं, हमारा दर्शन परमेश्वर हमें ऐसा दर्शन देता है ना जो हमारे कैपेसिटी मतलब हमारे कैपेसिटी को क्या बोलेंगे सोच के पार। हालेलुया, हम कर नहीं सकते। सहनशीलता दैट इज नो एंड्योरेंस। हमारी कैपेसिटी हमारे क्षमता जो है क्षमता के परे। हालेलुया, तो विजन छोटी छोटी नहीं होती, जब दर्शन छोटी छोटी दर्शन नहीं होते, परमेश्वर का एकदम बड़ा दर्शन होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ब्रदर ने चालू किया था छोटा दर्शन से चालू किया था क्या नैनो, बट परमेश्वर ने क्या दिया इंडिका। परमेश्वर तुम क्या सिखा रहा था ना जो दर्शन है छोटा छोटा छोटे छोटी चीजों पे मत रख, तेरे को पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया, तो इसलिए पहले दो तीन बार परमेश्वर ने उसको बताया कि देख मैं इतना कुछ करके दे सकता हूँ तो तेरा दर्शन बड़ा कर। तब जाके वो लोग ने एसयूवी सोचा था कि बड़ी गाड़ी होगी, ऐसी गाड़ी होगी। हालेलुया, उनको पता है कि उतना वो कर नहीं सकते, अगर दुनिया का शब्द यूज करूं तो उतनी औकात नहीं थी लेने की एक्सयूवी की, पर दर्शन देखा था बराबर। अभी वो दर्शन को पूरा करने का कार्य किसका था, ब्रदर का, किसका था, यीशु का। पर ब्रदर को कार्य इसमें लाना यीशु का काम है, पर उसके लिए सामान देना पड़ता ना, क्या है वो, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, मैंने ग्लास बोला था पता है, पानी का ग्लास, आशा एक्चुअली उसमें पानी वचन, तब जाके कार्य में होगा। हालेलुया हालेलुया, उसी तरह दर्शन रखो पहले, फिर वो दर्शन पूरा करने के लिए उसका वचन ढूंढ लो, फिर उस वचन को बोलते रहो, उसको देखते रहो, और फिर वो आपको होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा मेरी छोटी सोच होती है, इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे साथ समय बिताओ। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या सीखे, बिरयानी बनाना। आज सबको होमवर्क, सबको आज रात को सोने से पहले एक विजन देखना है, एक दर्शन देखना, परमेश्वर से बात करना है और परमेश्वर को पूछना है कि बताओ करना क्या है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यू वांट टू ऐड समथिंग? आई एम डन। क्या सीखा क्या सीखा? जब तक विजन नहीं रहेगा हर एक चीजों में, अगर हम हमारा विजन नहीं है कि हम चंगे हो सकते हैं, हमारा विजन नहीं कि प्रभु मेरा जिंदगी बदल सकता है, हमारा विजन ही नहीं है कि मेरा जिंदगी का कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी आशा ही नहीं है। देखो विश्वास के लिए आशा जरूरत है, वो आशा ही नहीं है, आशा एक टाइप का विजन होता है, बट जो वो आशा में अटका रहेगा करेगा 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 नहीं होगा। हमको आशा जरूरत है, आशा को खोने के लिए हमको विश्वास जरूरत है, और विश्वास हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है कि प्रभु ने कर दिया है, प्रेजेंट टेंस में मतलब हो गया है। तो हमारा जब तक हमारे अंदर वो विजन नहीं है, वो आशा नहीं है कि प्रभु मेरे को देने वाला है, कि बोलो देने वाला, वो आशा पहले पैदा होनी चाहिए, पहले एटलीस्ट आशा में तो आओ। लोगों को आशा ही नहीं है, देखा तुमने बहुत सारे लोग सुसाइड करते, सुने सुसाइड करते, घर में आग लगा दिया, खुद को फांसी लगा दिया, क्यों? क्योंकि आशा ही नहीं है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं उन लोग,
तो जो लोग के पास पहला उनको पहला आशा देना है, पहला विश्वास देने से पहला उनको पहला होप देना है। हमारा प्रभु जिसके पास वचन कहता है जिनको आशा नहीं है, ही गिव्स होप टू द होपलेस, वो आशा देता है जिनके पास आशा की कोई मतलब है ही नहीं उनकी ज़िंदगी में, तो उनको आशा देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर उनको विश्वास आने, विश्वास के द्वारा उनका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो जब तक आशा नहीं है यार आप वो सोच रहे उसको विश्वास दोगे नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, ये दिमाग में रखना, सामने वाले के जब भी तुम किसी से भी मिलोगे किसी से भी बात करोगे उसको पहले देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में आशा है कि नहीं, उसके ज़िंदगी में आशा है कि नहीं, फिर आशा उनको पैदा करके फिर उनको विश्वास में लाना। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले अपने ज़िंदगी में देखो तुमने विजन क्या बनाया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ने विजन बना दिया, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, विजन तो बना दिया है मगर विजन के हिसाब से चल रहे क्या? विजन को पूरा करने के लिए क्या कर रहे? अगर मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए? मेरी ज़िंदगी बदलना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तुमने देखा कि मैंने जिस तरह से बोला रिट्रीट चाहिए, रिट्रीट के लिए मुझे रिट्रीट करना है तो मैं इसे बैठा था क्या? कितना फ़ोन लगाया, किधर घूमा, कहाँ कहाँ नहीं, ये सब लगाने के बाद फिर जगह हमको मिला। अभी एक एक चीज़ हो गया, फिर अभी है कि अभी हमको उस दिन के लिए क्या क्या करना है वो तैयार करना है, फिर अभी हमको मालूम है कि हम फ्री में करने वाले, तो हमको विश्वास रखना है कि प्रभु देने वाला है। क्यों विश्वास? आशा, फिर विश्वास किया कि प्रभु ने दे दिया है और कौन दे रहा है? प्रभु लोगों को लेकर क्या देता है? वचन क्या कहता है? जो नाप से तुम नापोगे वो नाप से तुम्हें नापा जाएगा और मनुष्य तुम्हारे गोद में डालेंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारा, हमको तो बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर हमारे पूरे 20 लोग में से ही पूरा जमा हो जाएगा पैसा ऑटोमेटिकली। प्रभु ने किसको बोल दिया? कामने को बोल दिया ये डाल दे, कामने पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऑलरेडी उसने उनके मन में डाल दिया है। किसके मन में? प्रथमेश के मन में डाला है। अभी सितंबर में अपना है, एक महीना है पूरा, तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीच में कुछ भी ऐसा डील क्रैक हो गया, पैसा आ गया पूरा, एक ही इंसान हमको पूरा का पूरा बिल भर के दे दिया हमारा। हाँ होता है, नहीं वही बोल रहा हूँ। अभी मैंने जैसा बताया था हमारा गोवा वाला ब्रदर का एग्जाम्पल, इतना करोड़ों का बिल, त्याच्यावरती अजून लागली एक, पण ती तारीख बरोबर गणपतीमध्ये दिली आहे, म्हणजे मला विश्वास आहे की आपल्याला मागे पुढे कुठेही पण काय झालं तरी आपले पैसे येणार आणि आपण तिथे देणार, गाडीसाठी आपली योजना नव्हती। आपण काय बोललो होतो की प्रत्येकाने ट्रेन नाही यावं, तुम्ही काय बोलू ट्रेन नाही कशाला, त्याच्यापेक्षा आपण जास्त पैसे गाड्यांचा आपणच करतो, कारण की प्रभूने पण ती योजनामध्ये प्रभू आम्हाला साथ दिला, म्हणून आम्ही खरंच पूर्णपणे करतो। देखो तुम्हारा जिंदगी में बदलाव चाहिए तो तुम प्रभु के राज्य के लिए क्या सोच रहे हो पहला? कि प्रभु, हमने वचन सुना है ना मत्ती 6:33, उसमें लिखा है क्या? सबसे पहला तुम अपने बारे में सोचो, तो ईश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। उसके अभी उसके राज्य के बारे में सोचना मतलब उसके राज्य के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, या जो लोग कार्य कर रहे हैं मैं उसमें क्या मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा पैसे की जरूरत नहीं है हमको, तुम्हारा टाइम, तुम यहाँ पर कितने लोगों को जो दुनिया में खोए हुए उन लोगों को कितना बचा सकते हो, लेके आ सकते हो, वो सब चीज़ तुम कर सकते हो। तो हमारे अंदर वो है क्या, मतलब चल रहा है क्या वो, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ, करने वाला हूँ कि नहीं, या मुझे से मेरे से मतलब है, मैं प्रार्थना में गया मेरे को मेरा मिल गया बस हो गया। वैसे लोग भी आएंगे, वैसे को प्रभु देता है, प्रभु के ऐसे जिंदगी में ये राज्य में ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो ऐसा प्रभु का कार्य कर रहे हैं जो प्रभु को ही प्रेम करते हैं उसको ही देते हैं प्रभु, नहीं, प्रभु के पास जो भी आता है
भले बुरे नियत से आता, प्रभु को मालूम है मैं इसको दूंगा ये वापस नहीं आएगी, फिर भी प्रभु उसको देता है क्योंकि हमारा प्रभु दयालु प्रभु है। अगर हम क्या करते हैं, हम वो फायदा उठा रहे या हम सच में मती क्षेत्र के ऐसा प्रभु के राज्य के बारे में सोच रहे, उसकी धार्मिकता को ढूंढने के पीछे लग गए हुए और मतलब प्रभु के बारे में ही कार्य चालू है हमारा मन में वो सोच, अपना काम छोड़ के नहीं, तुम अपना काम करके भी प्रभु का कार्य के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तुम रेडी हो, भले यहाँ पर नहीं आ सकते मगर तुम फोन लगा के लोगों को बुला सकते हो। दूसरे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझो प्रभु का कार्य नहीं कर सकते मगर वो प्रभु के कार्य के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। समझो तुमसे गाँव मतलब तुम्हें बोलो ब्रदर तुम्हें चला देते हमें अरेंज करो, आप नहीं कर रहे हो मगर आप रास्ता बना रहे हो प्रभु के लोगों के लिए ताकि वहाँ प्रभु का राज्य का कार्य काम हो। तो वैसे वो भी कार्य है राह बनाना। जॉन द बैप्टिस्ट का क्या काम था, प्रभु यीशु के लिए राह बनाया उसने। तो आप भी यीशु के लिए, यीशु के लोगों के लिए और प्रभु के कार्य के लिए रास्ता बना रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रचार कर रहे वही कार्य कर रहा, नहीं, प्रचार वाले लोगों के लिए रास्ता बनाने वाले लोग भी कार्य कर रहे हैं। फोन करके व्हाट्सएप में मैसेज शेयर करके, वीडियो शेयर करके, वो एक वीडियो शेयर करने से किसका जिंदगी बदल सकता है, कितने लोगों का जिंदगी बदल सकता है, आपको नहीं, भले देखा है नहीं देखा हमको उससे मतलब ही नहीं। हम डाल रहे हैं, हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा हमको उससे मतलब नहीं, बट डाल रहे हैं 100% एक जिंदगी बचा ना एक वीडियो से, हमारा वीडियो का कार्य कम्प्लीट हो गया। तो ये मत सोचो कि यहाँ पर 1000 लोग आए या 1 लोग आए या कोई नहीं आए या मैं करूँगा तो कुछ होगा क्या, आप करो 100% उसका फल मिलेगा आपको और आपके जनरेशन आने वाली पीढ़ी 100 पीढ़ी सब कोई आशीर्वादित होगा। हालेलुया हालेलुया। तो चार चीजें हमने सीखी है, पहले दर्शन परमेश्वर का, ये धर्म पर्पस, हाउ डू से पर्पस, योजना परमेश्वर का क्या योजना है हमारे जिंदगी में, पहले वो जानना है। तो पहले दर्शन, दूसरा अगर दर्शन नहीं रहा तो वो इंसान नरक की तरफ ही जा रहा है, बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। हालेलुया। तीसरा व्यवस्था, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, और चौथा वो वचन का पालन। और ये सब कैसे पूरा होगा, जब तुम्हारे जिंदगी में तुम सिस्टमैटिक रहोगे प्रभु के राज्य में, सिस्टमैटिक सुबह उठ के अपना दिन प्लान करो क्या करना है कैसे, वो एक ट्रेनिंग दो अपने आप को, वरना क्या होगा, अरे उठा कोई उठते 12 बजे 1 बजे ब्रश अभी करेंगे, कभी दूसरा दिन खोलेंगे, तीसरा 3 बजे उठेंगे, तो मतलब सिस्टम ही नहीं है। एक टाइम फिक्स करो ये टाइम पे उठेंगे, ये कार्य, ये टाइम में ये खाना खाएंगे, ये टाइम में इतना होना चाहिए, इतना बजे में सोऊंगा, एक सिस्टम फॉलो करो। तुम सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम एक क्या बोले डिसिप्लिन, आर्मी वाले लोग को देखा है, नेवी वाले लोग, उन लोग 6 बजे सुबह उठते हैं, उनका सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो हम प्रभु के आर्मी में है, तो हम कैसे वाले आर्मी वाला उठता है कोई 12 बजे, कोई उठते ही नहीं है, कोई रात वाले आर्मी वाले, हम रात भर नाइट ड्यूटी करने वाले। रोज में 2 बजे उठूंगा और 2 बजे के बाद इतना ये काम करूंगा, रात को इतना बजे सोऊंगा, तो नाइट ड्यूटी मतलब घूमने का नहीं, नाइट ड्यूटी मतलब प्रभु का कार्य है मैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। आज सीखे कुछ, अभी उस पे अटल रहना, होमवर्क घर पे जाके। और पता है हम लोग ने आज कितना वचन सीखा है, एक नीति वचन, नीति सूत्र 29:18, हमने सिर्फ एक वचन पूरी तरीके से सीखा है, पूरी तरीके से मतलब जितना परमेश्वर ने सिखाया, और थोड़ा बैठेंगे तो और कुछ निचोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा बाइबल जो हमने नहीं होगा, बट एक वचन, दो वचन, बैठो सीखो समझो काम करो प्रैक्टिस करो, एक वचन। हालेलुया हालेलुया। हमें लगता है कि कुछ सीखना।
पोर्शन बहुत ज्यादा है। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं एक एक वचन सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम सब अपने आंखें बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हम सबको इस जगह पे इकट्ठा किया है। परमेश्वर, आपका वचन ने जैसे कहा है कि दो या तीन आपके नाम पे जब इकट्ठा होते हैं, आप यहाँ पे हो परमेश्वर, और उस वचन के हिसाब से आपने स्वर्ग को इस जगह लाया है। धन्यवाद कि आपने आपका वचन सिखाया है, आपके वचन के रहस्य सिखाए हैं, जो कोई मनुष्य समझ नहीं सकता वो हमें समझाया है। हे परमेश्वर, इस समय जिस तरह हमने सीखा है दर्शन के बारे में, आपके राज्य का दर्शन हमें दिखाइए, क्योंकि जब तक आपके राज्य का दर्शन हमारे पास नहीं होगा, हम सिर्फ ये संसारिक दर्शन देखते रहेंगे। बट उसके परे आपके राज्य में हमें क्या करना है, मेरा काम क्या है, वो हमें बताइए। मैं तैयार हूं वो कार्य करने के लिए परमेश्वर, उस दर्शन के लिए मैं चाहता हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि परमेश्वर उस दर्शन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, उस दर्शन के लिए मैं मेरा जीवन दे दूंगी। जब तक आपका राज्य का दर्शन, आपके राज्य का कार्य होता नहीं है, हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमें समझाइए, सिखाइए, बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जब देखती हूँ समझती, कुछ समझ में नहीं आता कैसे होगा, बट आपका वचन कहता है कि आप हमारे साथ हो, आप हमें एक काउंसलर के जैसे हो जो हमें सिखाता है। हे पवित्र आत्मा, मेरा जिंदगी मैं आपको समर्पित करती हूँ, आपका कार्य मेरे जीवन में कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। पीस भी दी। हे हमारे पिता, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है, जैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रश्न का क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं, तो परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। बड़ा मैया पिता, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रभु की शांति।